हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी में और क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर एंड अ लीप ईयर। अब देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैविंग 53 संडे होने चाहिए इन अ नॉन लीप ईयर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर केस लिखेंगे कि ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें अ नॉन लीप ईयर। देखिए, नॉन लीप ईयर वो होता है जिसमें 365 डेज होते हैं, 365 डेज। सबसे पहले ये समझिए, तो नॉन लीप ईयर वो होता है जिसमें 365 डेज होते हैं और उसमें जो फरवरी का मंथ होता है वो 28 डेज का होता है। तो इसमें उन्होंने पूछा कि हमें बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए कि कोई भी ऐसा नॉन लीप ईयर हो और उसमें 53 संडे पड़ें, इसकी क्या संभावना होगी। तो हम केवल नॉन लीप ईयर देख के या उसको ये बारे में जान के कि ये नॉन लीप ईयर है, उसकी क्या संभावना हो सकती है, मतलब 80% चांसेस है, 20% चांसेस है, या 10% चांसेस है, 90% चांसेस है, कितना परसेंट चांसेस है कि ये जो आपका संडे होगा, लीप नॉन लीप ईयर होगा, इसमें संडे 53 पड़ेंगे। तो हमें ये क्वेश्चन समझना है। आइए, सबसे पहले हम ये जानते हैं जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये कि जितने वीक्स होते हैं उतने ही संडे होते हैं। तो हम ये पहले देख लें कि 365 डेज में नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ वीक्स निकालने के लिए हमें इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 35 ही आया, 1 आया और ये आया 1। ठीक है, ये आया 1, ये 52, ये 1। अब आप देखिए यहाँ पर, ये है 52 वीक्स। 52 वीक्स मीन्स 52 संडे और 1 ये बच गया रिमेनिंग। तो ये क्या है, ये डेज है, 52 वीक्स और ये 1 जो बचा ये क्या है, डेज, डे। तो अब देखिए, 52 वीक्स मीन्स 52 संडे, 52 संडे। अब बारी आ गई, 52 श्योर है, हमें इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब ये जो वन डे होगा ये डिसाइड करेगा कि आपके जो 53 पड़ेंगे संडे की 52 पड़ेंगे, वो ये वन डिसाइडेड होगा। अब हमारा सारा फोकस जो हो गया वो इस वन डे पर हो गया। अब हमें ये देखना होगा कि ये जो वन डे है इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। तो दैट वन डे बिकम्स, अब क्या हो सकता है, ये वन डे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ये ट्यूसडे हो सकता है, ये वेनसडे हो सकता है, ये थर्सडे हो सकता है, ये फ्राइडे हो सकता है, ये सैटरडे हो सकता है और ये संडे हो सकता है। तो देखिए, ये वन डे की पॉसिबिलिटीज क्या हैं। तो हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटीज हैं 7 और वन डे की पॉसिबिलिटीज है 7 और इसमें फेवरेबल कौन सा है जो आपके विश को पूरा करेगा, वो है संडे। क्योंकि आप क्या चाहते हो, 53 वीक्स, 53 संडे, 53 संडे, 52 तो ऑलरेडी है ही, इस वन पर डिसाइड करेगा। और हमने यहाँ निकाल ली पॉसिबिलिटीज। अब आप लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स दैट ओनली संडे, दैट इज 1। सो प्रोबेबिलिटी 1/7 इसका आंसर है। तो ये जो केस बना वो हमारा था, इट इज ए केस ऑफ नॉन लीप ईयर, इट इज ए केस ऑफ नॉन लीप ईयर। अब हम जानेंगे केस ऑफ लीप ईयर। देखिए, अ केस ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर का केस क्या है, अ केस ऑफ लीप ईयर। अब देखिए, लीप ईयर के केस में, लीप ईयर केस में नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 366। नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 366 होते हैं, नंबर ऑफ डेज दैट इज 366। और अब हम इसमें पता कर लें कि वीक्स कितने होंगे, तो उसको हमें कितने डिवाइड करना पड़ेगा, 366। तो आप 5, ये आ जाएगा 1, 2,
रहेगा 14 2। अब देखिए ये तो आपके वीक्स हो गए और ये क्या हो जाएंगे, ये डेज हो गए। अब देख ये तो क्लियर है कि 52 वीक्स मीन्स 52 संडे, 52 वीक्स मतलब 52 संडेज। अब जो नेक्स्ट, अब आपके 53 संडे किस बात पर निर्भर करते हैं, इन टू डेज पर। तो टू डेज की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, टू डेज मे बी क्या क्या हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेनेसडे हो सकते हैं, वेनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, सैटरडे संडे हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकते हैं। ये हमारे पास तो 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिला के कितने पेयर आपके लिए पॉसिबिलिटीज के। देखिए मंडे के बाद आप डायरेक्ट वेनेसडे तो लिख नहीं सकते क्योंकि मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे वेनेसडे बोले दो ये दिन होंगे तो वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में होंगे, तो वो दो दिन कौन से हो सकते हैं, तो हमें वो दो दिन ये होता है। और इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज की अगर हम डिस्कस करें तो वो है 7। और फेवरेबल केसेस कितने हैं, फेवरेबल केसेस हैं ओनली 2। क्यों, एक तो ये जब पड़ेगा हमें, एक तो अगर हमें जब ये मिलेगा तो हमारे 53 हो जाएंगे संडे, और एक ये मिलेगा तब हमारे 53 संडे हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर फेवरेबल केसेस हैं 2, टोटल केसेस हैं 7। तो आप लिख दोगे प्रोबेबिलिटी 2/7। तो ये जो क्वेश्चन था वो इससे बिलोंग करता था, जो मैंने आपको भी बता दिया। अब इसमें जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है कि जो पॉसिबिलिटीज हैं, क्वेश्चन में लिखा है बैग कंटेन्स 52 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक, जिसमें एक्स जो है वो क्या है, आउट ऑफ विच, जिसमें एक्स जो है वो आपकी है ब्लैक। इफ अ बॉल इज ड्रॉन randomly, if ball is drawn randomly, देखिए अगर a bag contains 12 balls out of which x are black, out of which जिसमें x जो balls हैं वो कैसी हैं, black हैं। If a ball is drawn at random, what is the probability that it will be the black ball? तो simple सा total ball कितनी है, 12, जिसमें x ball कैसी हैं, black, टोटल है 12 जिसमें एक्स बॉल है ब्लैक। तो फर्स्ट पार्ट आंसर लिखेंगे, आंसर 7 और फर्स्ट पार्ट तो लिखेंगे टोटल बॉल, बॉल्स इज इक्वल टू 12 और ब्लैक बॉल्स इक्वल टू एक्स। तो एक बॉल निकाली गई और इट विल बी ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ब्लैक बॉल सिंपल x अपॉन 12, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट कहते हैं इफ x मोर बॉल्स आर पुट द बैग, सेकंड पार्ट, व्हेन 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन बैग, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो वो हो जाएंगी 12 + 6 और ये हो गई आपकी 18। अब हो गई बॉल्स आपकी कितनी बैग में, 18, और ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगी, पहले तो बच्चों x थी, अब हो जाएंगी x + 6। तो देखिए क्वेश्चन कहते हैं अब हम एक बॉल निकालते हैं, ब्लैक बॉल निकालते हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल विल बी द डबल, डबल होगी दैट ऑफ 1 की जो प्रोबेबिलिटी निकली। अब हम इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ब्लैक बॉल, तो आपके फेवर में x + 6 और टोटल कितने हो गए 18। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है वो पहली वाली प्रोबेबिलिटी का जस्ट क्या हो जाती है, डबल।
तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x प्लस 6 अपॉन 18 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x अपॉन 12, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो x बराबर इक्वल टू 3 होगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर है जिसमें ये लिखा है 6 मोर बॉल्स आर पुट इन द बैग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल विल बी डबल। डबल होगी किसका, पहले का, क्योंकि अब डबल होनी भी चाहिए, डबल या मैक्सिमम होनी चाहिए क्योंकि अब जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो क्या हो गई, बढ़ गई, इसकी वजह से वो डबल होनी चाहिए या जो भी होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लिया। आई होप ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।